लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत पेयजल जागरूकता रथ को स्थानीय सर्किट हाउस से रवाना किया गया है, तो वहीं खनिज मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया है। इस अवसर पर कलेक्टर दीपक आर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के अलावा अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री डीपी मोगरे, सहायक यंत्री डीआर कोरी, विकासखंड समन्वयक तपन कुमार नाथ और रानी राजपूत के अलावा कविता चोरे उपस्थित रही हैं। तो यह रथ 10 विकास खंडों में जाएगा, जहां लोगों को जागरूक भी करेगा। तो वहीं इस कार्यक्रम में देखा जाए तो क्षेत्र भर के लोग मौके पर मौजूद थे और यहां कार्यक्रम के बारे में सभी को जानकारी भी दी गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए जल प्रणाली योजनाओं में जल सहभागिता सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है। तो इसका शौचालय का उपयोग करने के साथ साथ अन्य माध्यमों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। देखिए, जैसे कि आप सबने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जल अधिकार कानून भी बनाया, जिसका भी आयोग की बैठक भी हुई है और उसका मुख्य उद्देश्य है कि माननीय कमलनाथ जी का मानना है कि पानी के बिना सारे विकास की बातें करना बेमानी होगी। इसलिए हर व्यक्ति को घर बैठे शुद्ध पानी मिले, ये उसका अधिकार है। इसलिए उन्होंने इसका आयोग भी बनाया और इसका कानून भी बनाया और उसके तहत जो है लोगों को जागरूकता के लिए यहाँ सभी जगह वाटर सप्लाई स्कीम बने और उसमें चूँकि सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं सरकारी योजनाओं को जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा, लोगों में जागरूकता नहीं रहेगी सरकार हमारे लिए क्या करना चाह रही है, उस जागरूकता के बिना सरकार का जो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और जितनी स्कीमें अक्सर बड़े बड़े स्कीमें बन जाती है लेकिन जनता को मालूम नहीं रहता, जनता की उसमें भागीदारी नहीं होती और जिसके चलते कई जगह लापरवाही के चलते स्कीम बंद हो जाती है कई बार अलग अलग कारणों से, तो उसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो उसको लेके ये प्रयास किया गया। इसको जागरूकता लाने के लिए आज मैं रथ को रवाना किया है जो कि लगभग एक महीने तक पूरे बालाघाट जिले के हर ब्लॉक में, हर बाज़ार में जाके लोगों को जागरूक करेगा कि वाटर सप्लाई स्कीम किस तरह से देखना है और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ जरूरत है, तो उसमें जनता की सहभागिता भी रहेगी और जहाँ भी जनता के द्वारा 10% अगर जन सहयोग मिलता है वहाँ पर 90% सरकार के द्वारा पैसा देके वहाँ भी वाटर सप्लाई स्कीम बनाई जाएगी। उसका यही प्रयास है कि हर पंचायत बल्कि टोले तक हर व्यक्ति को शुद्ध पानी 55 लीटर शुद्ध पानी मिलना ही चाहिए, ये कानून बनाया कमलनाथ जी ने और ऐसा कानून बनाने वाला मध्य प्रदेश जो है पूरे देश में पहला राज्य है जिसने ये कानून बनाया। तो उसी के प्रचार प्रसार के लिए, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये रथ को हमने रवाना किया।